एशियन गेम्स के अंदर इंडिया और चाइना का मैच हुआ, जो इंडिया जो है ना वो 5-1 हार गई है यहाँ पे चाइना से। फीफा रैंकिंग के हिसाब से तो चाइना जो है ना वो इंडिया से बड़ी टीम है। चाइना की फीफा रैंकिंग है 80 जबकि इंडिया की है यहाँ पे 99। पर चाइना ने यहाँ पे एक बार फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, जो किया था 2002 के अंदर, पर इंडिया ने यहाँ पे आज तक फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओवरऑल मिला के चाइना जो है वो इंडिया से बड़ी टीम है, तो चांसेस यही थे कि चाइना जो है वो इंडिया को हरा देगी, और ऐसा ही हुआ है। इंडिया को जो है वो चाइना ने ह्यूमिलेट किया है 5-1 से। लेकिन अब अगर ग्रुप की बात की जाए ना, तो इंडिया ने चाइना से तो मैच खेल दिया है, और चाइना के अलावा जो दो टीम्स है ना इंडिया के ग्रुप के अंदर, वो है यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश। और बांग्लादेश की तो रैंकिंग है ना यहाँ पे, वो है यहाँ पे 189, यानी वो इंडिया से बहुत ही छोटी टीम है। तो 99% चांसेस है कि इंडिया बांग्लादेश को हरा देगी फुटबॉल मैच के अंदर। अपन म्यांमार की रैंकिंग है यहाँ पे 160, तो इंडिया से म्यांमार भी जो है वो छोटी टीम है, तो चांसेस यही है कि म्यांमार को भी जो है ना वो इंडिया यहाँ पे हरा देगी। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया जो है ना यहाँ पे वो एशियन गेम के ग्रुप स्टेज को पार कर जाएगी। लेकिन आगे चल के एशियन गेम्स के अंदर यहाँ पे सऊदी अरब, साउथ कोरिया, जापान और ईरान जैसी बड़ी टीम्स भी शामिल हैं, जिनको हराना इंडियन फुटबॉल टीम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडियन फुटबॉल के लिए जो है ना वो एक खुशखबरी है। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे अपनी अगली शॉर्ट्स के अंदर। तो वो खुशखबरी जानने के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो भी आप देख सकें।